a pen at 5% and a book at 15% gain, the seller gains 7 rupees. If he sells the pen at 5% gain and the book at 15%, he gains 10% gain. He gains 13 rupees. Find the cost price of the pen and book. गेन मतलब प्रॉफिट, रियल प्राइस मतलब एक्चुअल उसकी प्राइस है, एक्चुअल प्राइस या कॉस्ट प्राइस एक ही बात है। चलो करते हैं सो। देखो आर्टिकल्स कितने थे, कितने आइटम्स हैं, सिर्फ दो। कौन कौन से? एक कॉस्ट पेन की प्राइस, प्राइस ऑफ पेन और प्राइस ऑफ बुक, ठीक है। और माननी क्या रही हमेशा कॉस्ट प्राइस। तो मैंने क्या किया, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन ₹100 और इसको मान लिया वही। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं आई ना, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मेरे को ₹5 का लॉस हुआ, ठीक है, और एक पे ₹10 का प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल मेरे को क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? एक चीज पे ₹5 का लॉस और एक पे 10 का प्रॉफिट, ओवरऑल क्या होगा देखो, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 5 का। कैसे कैलकुलेट किया? ये माइनस का हुआ और ये प्लस का, ठीक है। वही चीज करनी थी। पहले में क्या था, पहली चीज क्या थी कि 5% का लॉस और 10% का प्रॉफिट, सॉरी 15%, 15 ही था ना, 15% का प्रॉफिट ये बुक पर था और ये पेन पर। ओवरऑल मेरे को हुआ था प्रॉफिट ₹7 का। क्या करूं, कॉस्ट प्राइस है सर, लॉस कैलकुलेट कर लूंगा कितना है ना, एक्स इंटू फाइव अपॉन 100, ये मेरे को टोटल लॉस हुआ, ठीक है। प्रॉफिट था 15%, वाई प्राइस थी तो वाई मल्टीप्लाइड बाई 50 अपॉन 100, ये मेरे पास टोटल प्रॉफिट है, ये मेरे पास टोटल क्या है, लॉस। ओवरऑल मेरे को क्या होगा, प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा माइनस का ये प्लस का इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। किसी को कोई डाउट है? अरे प्रॉफिट तो माइनस करते हैं ना। हाँ अभी एग्जांपल लिया था, ₹5 का लॉस, ₹10 का प्रॉफिट, तो 10 - 5 किया ना, तभी तो मेरे को पता चला कि मेरे को ₹5 का प्रॉफिट हुआ। तो ये मैंने टोटल लॉस कैलकुलेट किया, ये मैंने टोटल प्रॉफिट, ठीक है। और दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, सॉरी जो भी करूंगा, मेरे को उसने पहले बता दिया कि ओवरऑल क्या होगा, ₹7 का प्रॉफिट। प्रॉफिट ज्यादा है ना तो प्लस का है, तो ₹7 आ गया, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। कैसे आया, वेयर 7 कम फ्रॉम, क्वेश्चन में ही दिया था कि ही गेन्स ₹7, मतलब ₹7 का उसको प्रॉफिट हुआ था। ये कुछ एक पेन से उसको लॉस हुआ, बुक पे उसको प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल वो प्रॉफिट में रहा, ये तो क्वेश्चन में ही बोला गया था। अरे लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। -7 कैसे लिखूंगा, लॉस थोड़ी हुआ है मेरे को, मेरे पास तो ₹7 है ना, मेरे को नुकसान थोड़ी हुआ है, तो प्रॉफिट तो प्लस का ही है, ये प्रॉफिट भी प्लस का है, लॉस माइनस का शो किया है। अगर इसको प्लस का शो करूंगा तो प्रॉफिट माइनस का और ये भी माइनस हो जाएगा, दिक्कत कहाँ है।
फाइव डिवाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड, ये कैसे आएगा? हाँ अगर लॉस होगा तो ये माइनस में आ जाएगा, लॉस माइनस में ही तो था ना, कि आपसे कोई चीज चली गई मतलब आपसे हट गई मतलब नेगेटिव माइनस हो गया ना आपसे। सौ रुपए की चीज खरीदी, बीस रुपए का मेरे को लॉस हुआ, तो बीस क्या किया मैंने, माइनस किया ना, तो लॉस को रिप्रेजेंट करते माइनस से, प्रॉफिट को करते प्लस से। इफ लॉस इज लेस देन प्रॉफिट तो वो तो है ही, तभी तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। पांच रुपए का लॉस हो दस रुपए का फायदा हो तो ओवरऑल तो मैं प्रॉफिट में ही रहा ना, यही तो बोला है इसने। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? पहले में किसी को अभी भी कोई डाउट है सर फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट परसेंटेज का? कल लिखाया नहीं था प्रॉफिट नेगेटिव हो सकता है? कौन सा है एसपी, कहां लिखा है ये सेलिंग प्राइस? एज्यूम क्या किया मैंने कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कैसे होगा? एक्स एक्सेप्शंस कहां से आ गए? मैंने तो कुछ बोला ही, मैंने तो कोई एक्सेप्शन नहीं दिया। सौ रुपए की चीज है, मैं बोलूंगी चलो डेढ़ सौ रुपए की चीज है, पांच परसेंट का लॉस हुआ तो कितने में बिकेगी? लॉस कितना हुआ मेरे को? लॉस कितना होगा? दो सौ रुपए की चीज है, पांच परसेंट का लॉस हुआ है, मतलब सौ के ऊपर पांच रुपए का लॉस, तो दो सौ पे कितना हो जाएगा? दस का। बस सीधा सा कैलकुलेशन है, पांच परसेंट है, दो सौ रुपए पे पांच परसेंट का लॉस है, तो सीधा सीधा टू हंड्रेड मल्टीप्लाई अपॉन हंड्रेड, इतने में खरीदा था, दिस इज कॉस्ट प्राइस, तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, दस रुपए का लॉस, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, वैसे क्या था कॉस्ट प्राइस मनी एक्स, उसका 5% कैलकुलेट है, लॉस है तो लॉस को माइनस ही करेंगे। अभी भी किसी को कोई डाउट है? अभी भी इक्वेशन नंबर वन में किसी को कोई डाउट है? तब भी लॉस उसमें से कम ही होगा। मान लो कि मेरे को एक लाख का प्रॉफिट हुआ, दो रुपए का नुकसान हुआ, तो भी मेरा नुकसान तो नुकसान ही रहेगा ना, माइनस ही होगा। लॉस तो हमेशा माइनस ही होगा, उसमें क्या चीज है? ठीक है, सेकंड क्या दिया था कि पेन के ऊपर प्रॉफिट है कितना? 5% का प्रॉफिट। ठीक है, और बुक पे दिया है उसने, बुक पे कितना दिया? 10% का प्रॉफिट। ठीक है, और ओवरऑल उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है? 13 रुपीज का। क्या करो, पेन की कॉस्ट प्राइस है पांच, सॉरी एक्स, एक्स का 5% कैलकुलेट किया, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाई 5/100, ये आ गया पेन के ऊपर का प्रॉफिट। ठीक है, बुक पे कितना प्रॉफिट है? 10% का। बुक की कॉस्ट प्राइस है वाई, तो वाई का मैंने कैलकुलेट कर लिया 10%, तो ये आ गया बुक के ऊपर प्रॉफिट, प्लस किया दोनों प्रॉफिट को ऐड ही करूंगा, और टोटल कितना आएगा मेरे पास? 13। क्वेश्चन नंबर टू, दोनों इक्वेशंस बनाएंगे, अब करना सॉल्व। उसके बाद नेक्स्ट एक कंडीशन से तो एक इक्वेशन बन जाएगी, कैसे? एक्स का 5% कैलकुलेट किया, लॉस था, माइनस का साइन लगा दिया, दूसरे में दिया था 15%, और वो किस चीज के लिए था? बुक के लिए था, तो बुक का कैलकुलेट करूंगा, बुक की कॉस्ट प्राइस का 15% प्रॉफिट दिया था, प्लस कर दिया, ओवरऑल उसने बोला कि मेरे को प्रॉफिट हुआ है, तो मैं प्लस का 7 लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद उसने एक कंडीशन से एक इक्वेशन बनी, दूसरी कंडीशन उसने दी कि पेन पे 5%, पहले लॉस था, इस बार उसने क्या बोला? प्रॉफिट, तो मैं रखूंगा प्लस का। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि बुक के ऊपर 10% का प्रॉफिट, तो बुक की कॉस्ट प्राइस है वाई,
वाई का 10% कैलकुलेट किया, प्रॉफिट बोला तो प्लस, ओवरऑल भी उसको प्रॉफिट हुआ तो 30 रुपीज का। तो ये दूसरी इक्वेशन बनी। ये मिटा दो ना, देखो एक छोटा सा स्टेटमेंट पूछ रहा हूं, एक चीज पे मेरे को एक्स रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और एक पे हुआ मेरे को 15 रुपीज का प्रॉफिट, ठीक है, और टोटल मेरे को हुआ 35 रुपीज का प्रॉफिट। इक्वेशन कैसे बनेगी बताना, ठीक है, टेन पे मेरे को हुआ एक्स रुपीज का प्रॉफिट, बुक पे हुआ मेरे को 15 का, और टोटल मेरे को हुआ 35। इक्वेशन इक्वेशन कैसे बनेगी, क्या बनेगी, पेन पे जो प्रॉफिट हुआ, बुक पे जो प्रॉफिट हुआ, दोनों को ऐड करूंगा तब टोटल बना, क्या ऐसे ही इक्वेशन बनेगी। ये चीज सबको क्लियर है, एक्स की वैल्यू नहीं पूछी मैंने, सिर्फ इक्वेशन पूछी, ये सबको क्लियर है, सबको क्लियर था तो फिर बाकी जो क्वेश्चंस थे उनमें डाउट होना ही नहीं चाहिए था। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, ऑन सेलिंग एक टेबल एंड 20% प्रॉफिट, and a chair at 15% profit, seller gets 120 rupees profit. If he sells the table at 15% profit, and the chair at 15% loss, he is ₹15 loss. Find the actual price from the table and the chair. तो क्या है, ये लेट करना है, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल क्या मान ली ₹X एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू वाई। सबसे पहली चीज तो ये, सबसे पहले तो क्या करना था, एज्यूम करना था कि एक की कॉस्ट प्राइस एक्स है और दूसरे की वाई। अच्छा, सबसे पहला जो किया था कि एक पे 20% का प्रॉफिट, ठीक है, और एक पे 15% का प्रॉफिट, ठीक है, और टोटल क्या हो रहा है उसमें, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ओवरऑल उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और कितने रुपए का, 120 रुपीज का, ठीक है, प्रॉफिट।
मतलब कुछ प्रॉफिट इस पे मिला, कुछ प्रॉफिट इस पे मिला, तो टोटल मेरे को 120 रुपए का प्रॉफिट हो, ये चीज थी। अच्छा ये 20% का प्रॉफिट मेरे को किस पे हुआ है? टेबल पे। उसकी प्राइस क्या है? एक्स। एक्स का 20% कितना हुआ? 20% एक्स का 20% कितना होगा? एक्स मल्टीप्लाइड बाई 20/100 ये क्या आ गया मेरे पास प्रॉफिट? किस पे? टेबल पे। अब चेयर पे प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, ठीक है? चेयर पे क्या करूंगा प्रॉफिट कितना? 15% का। तो y मल्टीप्लाइड बाई 50/100। अच्छा टोटल क्या करूं? ये कुछ प्रॉफिट हुआ, ये कुछ प्रॉफिट हुआ, दोनों को ऐड करूंगा तब मेरे पास मिलेगा 120। इक्वेशन नंबर 1। अब भी किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, दूसरे में क्या था? इस वाले में था 15% का प्रॉफिट दूसरी कंडीशन, ठीक है? और एक पे मैंने किया 15% का लॉस। ओवरऑल मेरे को फिर भी क्या है? लॉस हो गया। कितने का? 15 रुपए, ठीक है? अच्छा टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 15% है। किस चीज पे होगा? एक्स पे। तो क्या कैलकुलेट होगा? एक्स मल्टीप्लाइड बाई 50/100। वाई पे मतलब चेयर के ऊपर उसको लॉस हो रहा है, तो लॉस कितना जाएगा? 50/100। यह आ गया मेरा लॉस। प्रॉफिट में से लॉस को माइनस करूंगा, क्या जाएगा मेरे पास? लॉस हुआ तो माइनस का 15 होगा। ठीक है, या फिर क्या कर सकता हूँ मैं, उल्टा भी लिख सकता हूँ, लॉस में से प्रॉफिट निकाल दूं प्लस का रेट। अभी तो बताया था जहां पे माइनस लिखा हुआ है, जहां पे माइनस कहां पे आएगा? जहां पर लॉस वर्ड यूज किया है। माइनस 15 जहां पे लॉस वर्ड यूज कर दिया वो तो नेगेटिव ही होगा ना, माइनस करना पड़ेगा ना, और यहां पर भी लॉस होता माइनस का 15। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। फिर से वापस वही सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, अगर हर जगह लॉस होगा तो क्या प्रॉफिट हो सकता उसको? अगर दोनों जगह लॉस होता तो क्या लॉस प्रॉफिट हो सकता उसको? यह 20x प्लस 15y डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 120। सॉरी 100 एब्सेंट किया, सॉल्व किया, ये क्या देगा? 20x प्लस 15y इज इक्वल टू 12,000। इक्वेशन नंबर 3। इस वाले में भी क्या किया? 100 लिया एलसीएम, यह आ जाएगा 15x माइनस 15y इज इक्वल टू माइनस 100 डिवाइड में इस तरफ क्या जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या जाएगा? 15x माइनस 15y इज इक्वल टू माइनस 1500। इक्वेशन नंबर 4। 3 और 4 को यहां लिख रहा हूं, ये बराबर 20x प्लस 15y इज इक्वल टू 12,000। इक्वेशन नंबर 3। और दूसरे दिए 15x माइनस 15y इज इक्वल टू माइनस 1500। इक्वेशन नंबर 4। कैलकुलेशन फिर से ट्राई करके देख लेना, 120 को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12,000 120,000 होगा।
क्या करूं, दोनों में सेम ही कोफिशिएंट क्या करूं, ऐड किया ये कैंसिल, ठीक है ये आ जाएगा 35x इज इक्वल टू, सबट्रैक्ट करूंगा तो देगा 10500, x इज इक्वल टू 10500 डिवाइडेड बाय 35, कैंसिल करूंगा जाएगा 357 300, x की वैल्यू आ गई 300, x की वैल्यू 300 आई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करूंगा 20 मल्टीप्लाई बाय 300 प्लस 15y इज इक्वल टू 12000, तो 15y इज इक्वल टू 12000 ये आ जाएगा 600, तो माइनस का 600 सॉरी 6000, 15y इज इक्वल टू 6000 और y इज इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाय 15, कैंसिल करूंगा तो आएगा 400 इज इक्वल टू 400 इंडियन। किसी को कोई डाउट है इसमें?